दोस्तों नमस्कार, नो बकवास टेक की बात। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू सीगेट 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसे मैंने खरीदा है अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 5,500 रुपए का अमेज़न से। तो इसके साथ हमें मिलता है पासवर्ड प्रोटेक्शन, विंडोज और मैक के साथ दोनों के साथ कॉम्पेटेबल है, 3 ईयर की डाटा रिकवरी सर्विस इसमें मिलती है और 4 मंथ्स अडोब सीसी फोटोग्राफी। दोस्तों यहाँ पे अपने अम्मा जान की पैकिंग तो देख ली, अब पैकिंग से बाहर आ चुका है हमारा डब्बा, और डब्बे के ऊपर सीगेट वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, वन टच वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, मतलब कुछ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम फोकस करते हैं सिर्फ इसके अनबॉक्सिंग पे और करेंगे इसकी टेस्टिंग अपने लैपटॉप में इंसर्ट करके। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया डब्बे को चारों तरफ से। तो यहाँ ओपनिंग एरिया में सील लगे हुए हैं, इस सील को हम कट कर देते हैं। सील को कट करके हार्ड डिस्क को बाहर निकालना होगा। यहाँ पे हमें डबल लेयर वाले प्लास्टिक के डब्बे के अंदर हमारी हार्ड डिस्क दिख रही है, काफ़ी अच्छी पैकिंग है, कुशनिंग है इसके अंदर, और ये कुछ कागज़ पड़े हुए हैं। तो इन कागज़ों पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे इन ऑफर्स को अवेल करना है, इन ऐप्स को अवेल करना है, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इस प्लास्टिक के डब्बे को खोल करके देखते हैं हमारे हार्ड डिस्क को। तो ये यहाँ निकल गई हमारी हार्ड डिस्क, ब्लैक कलर की, एकदम स्लिम हल्की सी, और उसके साथ एक हार्ड डिस्क कनेक्टर केबल। तो चलिए अब दिए गए USB केबल को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमें मिल जाता है USB 3, और एक तरफ मिल जाता है हार्ड डिस्क कनेक्टर। आप दोनों देख सकते हैं ब्लू कलर में है हमारा USB, और हमारा हार्ड डिस्क भी प्लास्टिक के पाउच में लिपटा हुआ था तो उसे हमने पाउच से निकाल दिया। ये रहा हमारा कनेक्टिंग पोर्ट, एकदम प्योर ब्लैक कलर में, बिल्कुल रेक्टेंगुलर। यहाँ पे सीगेट की ब्रांडिंग लगी हुई है। इसका वजन भी काफी हल्का है, इसलिए ये जो है काफी पोर्टेबल हो जाता है और स्पेसियस हो जाता है, स्लीक है, आपके पॉकेट में इजी आ जाता है। तो चलिए अब इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर एक LED इंडिकेटर भी है, जब आप कनेक्ट करते हो तो वो LED इंडिकेटर ग्लो होता है। तो यहाँ मैंने अपने लैपटॉप के USB 3 वाले पोर्ट से इसे कनेक्ट कर दिया है, और आप यहाँ पे LED ग्लो होते हुए देख सकते हैं, व्हाइट कलर की LED है। और ये आ गया मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो H ड्राइव है वो वन टच बोल के यहाँ पे आ रहा है, यही है हमारी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो चलिए इस पर डबल क्लिक कर इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ फाइल्स पहले से हमें मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमें 2 PDF फाइल्स दिख रही हैं, एक तो दिख रही है वारंटी की और दूसरा दिख रहा है स्टार्ट हियर क्रोम बुक, और एक फोल्डर दिख रहा है हमें मैक के लिए। तो दोस्तों इसके फीचर्स, पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, अभी के लिए इतना ही। अभी इस हार्ड डिस्क को मैंने मंगाया था कुछ अपनी फाइल्स को रिकवर करने के लिए दूसरे हार्ड डिस्क में से, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी फाइल्स कुछ रिकवर हो चुकी हैं। तो अब मैं इस हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी रिकवर्ड फाइल्स को कॉपी करने वाला हूँ, ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पे। इस प्रोसेस में लगने वाला है बहुत सारा टाइम। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।